दोस्तों फॉर्म 26CS को लेकर के एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट आया हुआ है, जिसमें अभी तक आप जानते थे कि फॉर्म 26CS को देखने के लिए आपको ट्रेसेस की वेबसाइट में जाना पड़ता था। वहां पर आप फॉर्म 26CS के द्वारा अपने टैक्स की इन्फॉर्मेशन एक असेसमेंट ईयर के लिए आप देख पाते थे। उसी इन्फॉर्मेशन के लिए अब एक नया पोर्टल इनकम टैक्स विभाग द्वारा लॉन्च किया गया है, जिसमें अब आप फॉर्म 26AS की सारी इन्फॉर्मेशन इस AIS पोर्टल पर ही देख पाएंगे। तो उस AIS पोर्टल को हम लोग किस तरीके से देख सकते हैं, आइए देखते हैं। लॉगिन करने के बाद आप ऊपर मेनू में जाएंगे तो ये जो सर्विसेज का मेनू आ रहा है, इसमें सबसे लास्ट ऑप्शन है एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट, इसमें आप क्लिक करिए, फिर आप प्रोसीड बटन को क्लिक कर दीजिए। अब आपको ये AIS पोर्टल पर ले जाएगा। इस AIS पोर्टल पर आप दो तरीके की इन्फॉर्मेशन जो है आप देख पाएंगे, पहला है AIS और दूसरा है TIS। AIS आपका एक कॉम्प्रिहेंसिव व्यू है फॉर्म 26AS में, जिसमें आपको सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन आपके एक फाइनेंशियल ईयर में जो भी आपके इनकम के सोर्सेज रहे और उनसे जो जो टैक्सेस कटे हैं, वो सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको AIS में दिखेगी। इस AIS इन्फॉर्मेशन में आप हर एक ट्रांजेक्शन के लिए अपना फीडबैक भी दे पाएंगे। ये एक मेजर अपडेट जो फॉर्म 26AS से बदल कर यहाँ पर किया गया है, वो यही है कि अब आप अपने जो भी ट्रांजेक्शन एक फाइनेंशियल ईयर में हुए हैं, आप उसके लिए अपना फीडबैक दे पाएंगे। फीडबैक का मतलब कि वो ट्रांजेक्शन्स सही हैं या गलत हैं, या आप उसमें अपना कोई फीडबैक देना चाह रहे हैं कि जो इनकम टैक्स काटा गया है वो सही काटा गया है, जो इन्फॉर्मेशन दिखा रहा है वो सही दिखा रहा है नहीं दिखा रहा है, ये सारी चीज़ें जो है आप फीडबैक में आप बता सकते हैं। उसी कड़ी में आगे TIS जो भी AIS में इंफॉर्मेशन होगी, वो सारी प्रोसेस्ड होने के बाद जो फाइनल इंफॉर्मेशन होगी उसकी एक छोटी समरी आपको TIS में दिखाएगा। TIS में जो इंफॉर्मेशन होती है, वही इंफॉर्मेशन जब आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो आपने देखा होगा कि कुछ प्रीफेस्ड इंफॉर्मेशन ऑलरेडी रिटर्न भरते टाइम आ जाती है। वो डेटा जो है वो TIS में जो भी समरी डिटेल में रहती है, वही फाइनल वैल्यूज आपके इनकम टैक्स रिटर्न भरते टाइम फाइनली वहां पर शो करने लगता है। तो आइए ऊपर चलते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर AIS का एक ऑप्शन आ रहा है। इस AIS में जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर भी आप दो तरीके की इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हैं, जिसमें आपका टैक्स पेयर इन्फॉर्मेशन समरी है और दूसरा एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट है। यहाँ ऊपर आप किस फाइनेंशियल ईयर के लिए आप वो इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट देखना चाहते हैं वो आप देख सकते हैं। यहाँ पर आपको दो तरीके के बटन आपको देखने को मिलेंगे। ये आपका डाउनलोड का बटन है, इसी तरीके से यहाँ पर आपका एक अपलोड बटन है और एक डाउनलोड बटन है। डाउनलोड बटन में जब आप क्लिक करेंगे तो TIS के लिए आपको यहाँ पर वही इन्फॉर्मेशन PDF में डाउनलोड करने के लिए मिलेगी। आपको यहाँ पर सिर्फ डाउनलोड बटन पर क्लिक करना है। उसी तरीके से AIS में जब आप डाउनलोड बटन पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर दो तरीके की इन्फॉर्मेशन देख पाएंगे। पहला आपका एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट है, जिसको कि आप PDF या JSON फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं। उसी तरीके से आपने जो भी फीडबैक दिए हैं उनकी कंसोलिडेटेड इन्फॉर्मेशन, वो भी आप PDF में यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं। उसी तरीके से AIS में जो ये अपलोड का बटन दिया हुआ है, इसमें क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर ब्राउज बटन पर क्लिक करके आपने जो JSON फीडबैक फाइल क्रिएट की है आप वो यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। ये JSON फीडबैक फाइल एक ऑफलाइन यूटिलिटी के द्वारा बनाई जाती है, जो कि जनरली इंडिविजुअल्स को ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसीलिए हम उस डिटेल में नहीं जाएंगे। तो फिलहाल के लिए हम इसको यहाँ पर कैंसिल कर देते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि AIS इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट में क्या क्या चीज़ें हैं। उसके लिए आपको यहाँ बीच में क्लिक कर देना है। आप यहाँ पर उस स्टेटमेंट को डायरेक्टली डाउनलोड बटन से भी डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद पार्ट ए में जनरल इन्फॉर्मेशन, जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पर आपको दिखा रहा है। उसके बाद जब आप पार्ट बी में जाएंगे तब आपको यहाँ पर पार्ट बी में जो भी आपका TDS या TCS कटा है उसकी इन्फॉर्मेशन दिखा रहा है। उसमें यहाँ पर जो ये एरो बटन है उस पर जब आप क्लिक करेंगे तो मेरे केस में यहाँ पर मेरी सैलरी जो भी अभी तक क्रेडिट हुई है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लिए, उसके केस में जो भी TDS कटा हुआ है वो सारी इन्फॉर्मेशन क्वार्टरली यहाँ पर दिखा रहा है।
अब यहाँ पर आप जो लास्ट ये फीडबैक का बटन दे रहे हैं, यहाँ पर ऑप्शनल करके एक बटन आ रहा है, आप उसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पर उस अमाउंट के लिए अगर आपका कोई फीडबैक है उसके लिए ये सारे ऑप्शंस आ रहे हैं। इनमें से आप जो भी आपको अपने केस में अप्रोप्रिएट लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन जो है वो सही नहीं है या ये टैक्सेबल नहीं थी, वो इन्फॉर्मेशन गलत प्रोसेस की गई है, आप उसको क्लिक करके यहाँ पर आप सबमिट बटन पर क्लिक करके वो फीडबैक आप डायरेक्ट दे सकते हैं। अभी तक इस तरीके की जो सहूलियत थी वो पहले ट्रेसेस की वेबसाइट में नहीं थी, तो ये एक मेजर अपडेट है AIS में। फिलहाल इसको यहाँ कैंसिल कर देते हैं। हाँ दोस्तों, एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि अगर आपको यहाँ पर सिंगल सिंगल फीडबैक आपको नहीं दे करके आपको यहाँ एक साथ किसी ईयर का या मंथ, कई मंथ्स का आपको फीडबैक देना है, तो आप यहाँ बल्क फीडबैक में भी क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पर आपको वो क्वार्टर जो है आपको चूज़ कर लेना है, जिस भी क्वार्टर को आप चूज़ करेंगे, आप एक एक करके इन क्वार्टर्स को भी चूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए आपको यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये इन्फॉर्मेशन आपको इसमें कोई फीडबैक देना है, तो आप उनको सेलेक्ट कर लें, उसके बाद फिर कंटिन्यू बटन पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके लिए वो सारे ऑप्शन, वो सारे जो क्वार्टर हैं वो यहाँ पर दिखाएगा और फिर आप उनके लिए एक कोई फीडबैक टाइप आप सेलेक्ट करके उसको सबमिट कर सकते हैं। उसी तरीके से आप यहाँ पर एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट की जगह टैक्स इन्फॉर्मेशन समरी में भी आप अपनी प्रोसेस्ड इन्फॉर्मेशन देख पाएंगे। इस प्रोसेस इन्फॉर्मेशन में आप देख रहे होंगे बहुत ही लिमिटेड कैटेगरी और उसमें बहुत ही लिमिटेड इन्फॉर्मेशन आ रही है। ये पूरी प्रोसेस इन्फॉर्मेशन है, आप यहाँ एरो बटन में क्लिक कर करके उस सारी इन्फॉर्मेशन को आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको एक एक्टिविटी हिस्ट्री बटन दे रखा है, उस एक्टिविटी हिस्ट्री बटन में आपने अभी तक जो भी चीज़ें, एक्टिविटीज़ जो भी इस पोर्टल पर की हुई हैं वो सारी आपको दिखाएगा कि आपने कब उसको डाउनलोड किया था, कब आपने वहाँ पर अगर कोई मॉडिफिकेशन किया है, कोई फीडबैक दिया है, इवन यहाँ पर आपने कब कब आपने लॉगिन किया है इस AI सिस्टम में, वो भी आपको एक्टिविटी हिस्ट्री में सारी चीज़ें आपको दिखा रहा है। उसके बाद आप फिर से AIS पोर्टल पे जैसे हम चलते हैं और मान लीजिए हम यहाँ पर अपना एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट जो है वो डाउनलोड करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर हम डाउनलोड बटन पर क्लिक करेंगे और फिर हम मान लीजिए कि PDF हम यहाँ पर डाउनलोड करना चाह रहे हैं, तो हम यहाँ पर डाउनलोड पर जब क्लिक करेंगे तो इस तरीके से कुछ आपका ये स्टेटमेंट डाउनलोड हो जाएगा। फिर उसको खोलते ही आपसे एक पासवर्ड मांगेगा। ये पासवर्ड क्या है? तो ये पासवर्ड आपका जो पैन नंबर है वो सारा कैपिटल लेटर में, उसके बाद आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है पूरी, जैसे मान लीजिए मेरी डेट ऑफ बर्थ है 1 फरवरी 1984, तो मैं डालूंगा 01021984। सही पासवर्ड डालने के बाद आपकी जो इन्फॉर्मेशन समरी है वो आपको कुछ इस तरीके से दिखा देगा। तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा कि अभी तक आप फॉर्म 26AS में जो इन्फॉर्मेशन देखते थे ट्रेसेस की वेबसाइट में, वही इन्फॉर्मेशन जो है अब आपको एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट में दिखा रहा है। आप चाहें तो यहाँ से लॉग आउट कर सकते हैं इस AIS पोर्टल में, आप यहाँ पर लॉग आउट कर दीजिए। उम्मीद है आपको ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी महत्वपूर्ण लगी होगी और आपको ये इन्फॉर्मेशन आगे इनकम टैक्स फाइल करने में और भी ज़्यादा मददगार होगी। अगर आपको वीडियो ये पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिए। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ आप वो कमेंट सेक्शन में आप मुझको बताएं, मैं उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, अलविदा, साइनिंग ऑफ़।